नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना रेसिपी में एक मसाला पूड़ी, हेल्दी मसाला पूड़ी लाई हूँ जो कि स्पाइसी भी होगी और टेस्टी होगी। तीन कलर में बनेगी, तो इसमें बथुआ का प्रयोग होगा, हल्दी का प्रयोग होगा, चुकंदर का प्रयोग होगा। तो सारी चीज़ हेल्दी हैं, लेकिन पहले हम ये जो मेन आटा है उसमें मैं नमक मिला दूँगी स्वाद के अनुसार, और हींग मिला दूँगी, अजवाइन। हाँ, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, अजवाइन, हींग। अब ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से पूरे आटे में मिला देंगे, क्योंकि इनका तीन भाग करेंगे हम, और तीनों भाग में एक में मैं हल्दी मिला दूंगी जिससे वो आटा पीला बनेगा, एक में चुकंदर का पेस्ट और एक में बथुआ का पेस्ट। आप पालक या बथुआ दोनों में से क्या है, बथुआ में मैंने धनिया भी पीस दी है उसके पेस्ट में। तो तीन भाग करेंगे और तीनों भाग में अलग अलग चीज़ें, तो एक में हल्दी, बाकी तो अजवाइन, हींग, नमक और सब चीज़ तो सेम रहेंगी, लेकिन उस एक में चुकंदर का पेस्ट मिलाएं के सानेंगे, एक में हल्दी डाल के सानेंगे और एक में बथुआ डाल के सानेंगे। तो और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, इससे मोयन थोड़ा होगा, खस्ता हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से सब मिला लेंगे, और अच्छी तरह से आटे को मिलाने के बाद तीन भाग में कर देंगे और तीनों भाग में अलग अलग चीज़ें मिला के बनाएंगे। ये देखिए, मैं इसमें इतने थोड़े से आटे में चुकंदर मिला के रेड आटा बनेगा, और बाकी आटा मैंने अलग कर दिया, इसका आधा करूँगी, एक में हल्दी एक में बथुआ। ये देखिए, इसमें मैंने हल्दी डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, एक चम्मच दही डाला है, ये तीसरा है। एक हरा बनाया है, एक लाल बना लिया, अब ये पीला बन रहा है। इसमें हल्दी और हींग तो सभी में पड़ी हुई है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा है और एक चम्मच दही। ये देखिए, तीनों तरह के आटे को मैंने बना लिया है, और ये पीला वाला बीच में रखा, इधर लाल रखा, ये हरा रखा। तो ट्राई कलर की इनोवेटिव पूड़ियाँ बन रही है, मसालेदार, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी। आप एक बार बना के देखिए। अब ये तीनों मसाले को ये आटे को एक दूसरे में ऐसे करके लपेट देंगे, और लपेटने के बाद उसकी तीनों के साथ लोई बनेगी, लोई बना के उसकी पूड़ी। ये देखिए कितना बढ़िया तीन कलर की आटा तैयार हो गया। अब इससे मैं पूड़ी बनाऊंगी और उसको फ्राई करके सबको सर्व करूंगी। अब चटनी के साथ करें, अचार के साथ करें, प्याज की चटनी जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई है उसके साथ, मीठी चटनी या हरी धनिया की चटनी जो आपको पसंद है उसके साथ करिए, या सब्जी किसी भी तरह की सब्जी के साथ खाइए, और या यूं ही खाइए, बहुत ही अच्छी लाजवाब पूड़ी। देखिए मैंने कितनी बढ़िया तिरंगी पूड़ी बेल के रख ली है, अब इसको फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट, एक बार ट्राई कीजिए बना, और हेल्दी है। इसमें तीनों चीज़ें बहुत अच्छी, एक में हल्दी मसाला पड़ा हुआ है, एक डो में बथुआ पड़ा है, एक में चुकंदर, सभी चीज़ हेल्दी हैं और जो कि बहुत ही फायदेमंद है। और बना के देखिए, आपको पसंद आती है और बच्चों को तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, और उससे वो सब चीज़ खा भी लेंगे। ऐसे चुकंदर कहिए तो नहीं खाएंगे, बथुआ कहिए नहीं खाएंगे, लेकिन इसमें मिला के सब खा लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया ये तिरंगी पूड़ी तैयार हुई है, मसालेदार, और ये हरी धनिया की चटनी, प्याज की चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। आप दही के साथ, रायते के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, और एक बार बना के देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।